ये सोमवार को जो किलिंग्स हुई हैं, जो अमरनाथ यात्रा से लोग कश्मीर से जम्मू आ रहे थे, उग्रवादियों ने जो उन पर फायरिंग की, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, कंडेम करता हूं। और इसके साथ ही ये गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं कि इनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ जो है अरेंजमेंट किया जाए। ये हुर्रियत के दोगलापन नेताओं की वजह से और पाकिस्तान को पाकिस्तान ने जो हरकत यहाँ अपने कश्मीर में हमारे एक पार्टिकुलर एक कम्युनिटी को अटैक करके वो ये जतलाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान फसाद करवाएंगे, मगर वो कामयाब यहाँ नहीं होंगे, ना हम उन्हें कामयाब होने देंगे। हमारी अनंतनाग के लोगों ने जो हमारे हिंदू वहाँ अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने गए थे, उनकी इतनी सपोर्ट और उनकी इतनी मदद की है, हम उनके लिए क्लैपिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं कि उन्होंने इन उग्रवाद जो उग्रवाद फैला रहे हैं उग्रवादियों का मुंह काला किया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारा भाईचारा जैसा था वैसा ही रहेगा, मगर हम हुर्रियत के दोगला नेताओं को ये बताना चाहता हूँ मैं आप मीडिया के माध्यम से कि हमारी जो यहाँ पे भाईचारा एकता, या हिंदू भी है मुसलमान भी है, हम एक साथ होके इस जंग का वाकई सामना करेंगे। मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान। भारतवर्ष के इतिहास के अंदर 10 जुलाई 2017 का दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो पूरे विश्व में हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और हमारी आस्था के साथ जो हमारे 100 करोड़ हिंदू हैं उनकी आस्था के साथ जो ये खिलवाड़ हुआ है, जिसमें हमारे 7 अमरनाथ यात्रियों शहीद हो गए और जिसमें से 6 तो हमारी माताएं और बहनें थीं, युवा राजपूत सभा इस मसले का, इस जो दुर्घटना हुई है इसका कड़ी निंदा करती है